नेचर फोटोग्राफी ऑफ फ्लावर्स में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हर साल की तरह श्री के चरण हमारे घर लगे हैं। बापा हमारे घर पधारे हैं। बड़ी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक बापा का स्वागत करके हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। इस साल कोरोना की वजह से हमारे पुरोहित चंदू भट्टी का आना नहीं हुआ, तो मैंने ही चंदू भट्टी के मार्गदर्शन से उनकी भेजी हुई पुराणोक्त प्राण प्रतिष्ठा के अनुसार बापा की श्रद्धापूर्वक प्राण प्रतिष्ठा कर ली। मुझे पता है मैंने भक्तिपूर्वक की हुई पूजा पापा स्वीकार कर लेंगे और मुझसे अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर देंगे। हमने ज़्यादा कुछ डेकोरेशन ना करते हुए इस चौरंग पर लाल सूती वस्त्र रख के उस पर पापा की मूर्ति को स्थापित किया और दोनों तरफ समय रखी। पीछे वाली दीवार पर हमने मोर के चित्र वाला सुंदर वॉलपेपर लगाया है और ऊपर की तरफ लैंप लगाकर उस पे सूर्य देव की प्रतिमा लगा दी। इससे उगते हुए सूरज का आभास निर्माण हो रहा है। टेबल को हमने इस वाइट फर वाले क्लॉथ से कवर किया और पूजा की पत्री चौरंग के नीचे रख दी। चौरंग के इस तरफ कलश की स्थापना की और अगरबत्ती रखने के लिए इस क्लास में थोड़ी चावल भर के रखे ताकि अगरबत्ती की रक्षा उसमें पड़े। और पीछे एक बाउल में बापा के लिए 5 फल रखे। इस तरफ टीवी के यूनिट के नीचे जो स्पेस है वहाँ कुछ डेकोरेटिव आइटम रखे। ये कैंडल ट्रे मुझे मेरी प्यारी फ्रेंड जयश्री ने गिफ्ट किया था, जो अभी उनको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है। थैंक यू जयश्री। और पीछे इस क्लास में मैंने ये कटिंग रखी हुई है जो मैंने वेस्ट डेकोरेशन वाले वीडियो में यूज की थी। उनमें अच्छी तरह से रूटिंग हो गई है। उनके पत्ते भी मैंने पानी में रख दिए तो इन पत्तों में भी रूटिंग हो गई। पानी में रखे रखे इसमें अच्छी तरह से रूटिंग हो गई। इसे मैं अब कमरे में लगा दूंगी। इसे मैंने फिर से पानी में रख दिया है। जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं इन्हें कमरों में लगा दूंगी। और यहाँ टॉर्टाइज रखा है, उसे मैंने फूलों से डेकोरेट किया है। और ये अवंतिका को जिम में मेरी ट्रॉफी है। और बाजू में प्लेट में डेकोरेटिव सेंटेड पॉट पूरी रखे है। यहाँ एक ईगल भी है और ये धूपदानी है। दूसरे दिन मैंने कछुओं को इस तरह से डेकोरेट किया। डेकोरेशन हर दिन बदलते रहता है। इनके फूलों को मैं हर दिन बदलती रहती हूँ। मैं हमेशा चीजें थोड़ी यहाँ से वहाँ जगह अदल बदल के रखती हूँ। ऐसा करने से रुख में थोड़ा सा चेंज होके नयापन लगने लगता है।
अब मैंने पॉट पूरी को इस सिल्वर प्लेटेड ट्रे में रखा है जो मुझे मेरी प्यारी बहन ने गिफ्ट किया है ना बड़ा प्यारा, उसी की तरह है। और ये श्री लक्ष्मी गणेश जी का नौ घंटियों वाला ब्रास का शुभ लाभ लिखा हुआ हैंगिंग है जो मैंने आगे वाले रॉड पे लगा दिया है। इनकी घंटियाँ जब बजती है हवा से तो बड़ी प्यारी सी किन किन आवाज़ आती है इनमें से। पेंडेमिक के वजह से इस साल कोई गेस्ट आए नहीं ज़्यादा, लेकिन मेरे गुज्जू फ्रेंड्स ज़रूर आए बापा के दर्शन के लिए। और ये खाली जगह जयश्री और रमेश भाई की है जो आ नहीं पाए बारिश की वजह से। हमें उनकी कमी महसूस हो रही है। इस तरह से हमने घर में बहुत सिंपल डेकोरेशन करके पापा का स्वागत किया है। हमने 7 दिन बड़ी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पापा की सेवा की और अब पापा का उनके गांव जाने का समय आ गया है अगले साल फिर से हमारे घर आने के लिए। पापा, आपकी सेवा में अगर कोई कसर रह गई हो या हमसे कोई चूक भूल हो गई हो तो हमें बड़े मन से क्षमा कर दीजिए और हमें शुभ आशीर्वाद दे दीजिए। और इस कोरोना को नष्ट करके सारे जगत का कल्याण कीजिए। गणपति बप्पा पुढच्या वर्षी। इस तरह से हमने घर में ही पापा के विसर्जन की तैयारी कर रही है। गणपति बप्पा पुढच्या वर्षी। पापा का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।